Assalamu alaikum students of class 2, how are you all? I hope that you all are fine and doing great at your homes. This is unit number 9. We have done the reading and the words, meaning the dictation words of this chapter before. But as the few of you have requested me to send the question answers of this chapter again, so before that we'll do the reading, a quick reading and review of this chapter. So today is 19th January 2021 and the day is Tuesday. Pick up your pencils, you all are going to read with me. Okay? Once there was a young man called Parvez. He lived near the sea. One day he was sitting on a rock playing his flute. एक दिन एक जवान आदमी जिसका नाम क्या था, वॉट वॉज द नेम ऑफ द मैन? परवेज. वॉट वॉज द नेम ऑफ द मैन? परवेज. वो एक दरिया के किनारे रहता था. एक दिन वो एक पत्थर पर बैठे अपनी फ्लूट, फ्लूट क्या होता है? बांसुरी. दिस इज द फ्लूट दैट द मैन हैज हैविंग इन हिज हैंड. फ्लूट बांसुरी बजा रहा था. This is a musical instrument, okay, as we have discussed before. Suddenly, he saw a beautiful green snake. It began to dance. अचानक उसने एक बहुत ही खूबसूरत हरे रंग का सांप देखा. It began to dance, जो कि नाचने लग गया, डांस करने लग गया. After some time, the snake spoke to him. कुछ देर बाद जो सांप है उसने उससे बात करना शुरू कर दी. Thank you for your music. बहुत शुक्रिया तुम्हारे इस म्यूज़िक का, she said, उसने कहा, and she gave Parvez a gold chain. और उस सांप ने उसको क्या दिया? What did she give to him? Yes, she gave Parvez a gold coin. उसने परवेज को क्या दिया? A gold coin. Parvez was very happy. Every day he played his flute and the beautiful snake danced and then gave him a gold coin. अब परवेज जो था वो बहुत खुश था. हर रोज वो फ्लूट बजाता अपना और जो स्नेक है, सांप है, वो डांस करती थी. एंड देन गेव हिम अ गोल्ड कॉइन, और वो फिर उसको एक सोने का सिक्का देती थी. गोल्ड कॉइन क्या होता है? सोने का सिक्का. He left his little hut. उसने अपना जौन सा है छोटा सा घर छोड़ दिया. He bought some lands. उसने कुछ ज़मीनें खरीदी. And built a new house. और उसने फिर एक नया घर बनाया. यहाँ तक सबको समझ में आया? Is everything clear to you now? परवेज बहुत खुश था. वो हर रोज़ जौन सा अपना फ्लूट बजाता था, बांसुरी बजाता था, और जो स्नेक है वो डांस करता था. ठीक है, डांस करने के बाद वो उसको रोज़ाना एक गोल्ड कॉइन देता था. अब जो परवेज है उसने छोटा सा अपना जो हट था वो उसको छोड़ दिया और उसने कुछ ज़मीनें खरीदी और अपना न्यू घर बनाया. ओके, सो वेन एवर वी आर रीडिंग, वेर एवर देर इज़ अ कॉमा वी हैव टू टेक अ हाफ पॉज, एंड वेर एवर देर इज़ अ फुल स्टॉप वी हैव टू टेक अ फुल पॉज. ओके, सो वेन एवर वी आर रीडिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. वेन सेप्टेम्बर केम द स्नेक सेड, परवेज आई एम गोइंग अवे फॉर द विंटर, आई शेल कम बैक नेक्स्ट स्प्रिंग. नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक, मैंगोज और गावास? जब सितंबर का महीना आया तो स्नेक ने परवेज से कहा कि मैं सर्दियों के लिए कुछ दूर जा रहा हूँ, मैं अगले स्प्रिंग यानी कि अगली बहार में आऊँगा. स्प्रिंग इज अ सीजन. डू यू लाइक स्प्रिंग सीजन? Which other season we have read in this paragraph? Yes, Talha? Fatima? Yes, it's winter. So, in this paragraph we have learned and read about two seasons, winter and spring. Now,
आंसर दिस क्वेश्चन, अब तुम मेरे इस सवाल का जवाब दो. व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मैंगोज और गुआवास. मैंगोज आम अच्छे लगते हैं या गावा अमरूद अच्छा लगता है? ठीक है, ये किसने किससे पूछा? हु आस्क्ड परवेज? द स्नेक आस्क्ड परवेज अबाउट इट. कम ऑन, नाउ मूव टू पेज नंबर 75. आई लाइक बोथ, मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं, सेट परवेज विद अ स्माइल. परवेज ने मुस्कुरा कर कहा. हेयर यू आर, तुम देखो अब. स्नेक सेट द स्नेक, स्नेक ने कहा. एंड शी गेव परवेज अ ट्विक, अब उसने परवेज को एक ट्विक दिया. ट्विक क्या होती है? वी हैव लर्न अबाउट इट. Come on, tell me. We have also done it in the words meaning that we have done before. Twig means a thin branch of a tree or bush. यानि कि किसी भी दरख्त की जो बहुत ही thin सी branch होती है, टहनी होती है, उसको कहते हैं. ठीक है, Plant this twig in your garden. इस twig को, इस टहनी को अपने जौनसा है अपने गार्डन में उगाओ. वन डे, एक दिन, इट विल गिव यू मैंगोज एंड द नेक्स्ट डे गावास. एक दिन ये फिर तुम्हें आम देगा और अगले दिन ये तुम्हें गावास देगा. सो परवेज प्लांटेड द ट्विग. परवेज ने अपने गार्डन में वो ट्विग, वो जड़ी जौनसी है, जड़ी बूटी जौनसी, जो भी टहनी थी, वो उसको प्लांट किया. एंड सून इट ग्रू इनटू अ फाइन ट्री, और जल्द ही वो एक फल फूल कर एक बड़ा अच्छा शानदार सा दरख्त बन गया. वन मॉर्निंग, एक सुबह, द ट्री वॉज फुल ऑफ मैंगोज. जो दरख्त था वो किससे भरा हुआ था? मैंगोज से. परवेज पिक द मैंगोज. परवेज जो अनसा उनमें से आम तोड़ता था. एंड सोल्ड देम इन द टाउन, और उनको जो अनसा है वो टाउन में, कस्बे में बेचता था. वेन ही गॉट होम, द ट्रीज वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स अगेन. जब वो घर आता तो फिर जो अनसा है वो दरख्त जो अनसा है वो फल फूल जाता. इन द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज फुल ऑफ गावास, और अगले ही दिन वो जौनसा है गावास से भर जाता. सो यू सी, हेयर इज द परवेज पिकिंग अप द मैंगोज फ्रॉम द ट्री. एवरी डे, हर रोज, परवेज सोल्ड हिज फ्रूट. वो जौनसा अपने फल बेचता था. ही बिकेम क्वाइट रिच, वो कुछ अमीर हो गया. वन डे अ शिप केम इन टू द हार्बर, एक दिन जौनसी है उनके हार्बर में. हार्बर क्या होता है? द कैप्टन सॉ परवेज रीच थ्रू हिज टेलीस्कोप, एक दिन उनके जौनसा है एक जौनसी है शिप उनके हार्बर में, उनके मैदान में आई. द कैप्टन सॉ परवेज रीच थ्रू हिज टेलीस्कोप. जो कैप्टन था उस शिप का, उसने जौनसा है परवेज का दरख्त अपने टेलीस्कोप से देखा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हुआ? मैंगोज इन दिसंबर, दिसंबर के महीने में आम. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा. व्हाट अ फाइन ट्री, कितना अच्छा दरख्त है. द फॉलोइंग डे ही मेट परवेज एंड सेड, उस दिन जौनसा है वो परवेज से मिला और उसने कहा, योर मैंगोज आर वेरी फाइन, आपके आम तो बहुत अच्छे हैं. परवेज थॉट ऑफ अ जोक, परवेज ने एक जौनसा है उससे मजाक सूझा. They are not mangoes, ये mangoes नहीं है. He said, उसने कहा, They are guavas, ये तो guavas है. So, do we have mangoes in winter? Winters में do we have mangoes? Which fruit do we have in winters? Who is going to tell me? Talha? Which fruit do we have in winters? Yes, oranges. We have oranges in winter. We don't have mangoes in winter. They are the summer fruit. So, when he started getting with the captain of the ship, he said, Pervez said that they are not mangoes, they are guavas. Mangoes, roared the captain.
सबने कहा इफ देयर गावास आई शैल गिव यू माई शिप, अगर ये गावास है तो मैं तुम्हें अपनी शिप दे दूंगा। परवेज टुक द कैप्टन टू हिज गार्डन, परवेज उसे जो है अपने गार्डन में ले गया। गावास ग्राउंड द कैप्टन, आई हैव लॉस्ट माई शिप, मैंने तो अपनी शिप खो दी, क्योंकि वहाँ उसके दरख्त पर तो वाकई गावास थे। द नेक्स्ट डे परवेज वेंट टू सी द कैप्टन, अगले दिन परवेज जो अंसा है कैप्टन से मिलने के लिए गया। द कैप्टन वॉज लुकिंग सैड, जो कैप्टन है वो उदास लग रहा था। डोंट बी सैड, उदास मत हो, सेड परवेज विद अ स्माइल, परवेज ने मुस्कुरा कर उसको कहा। किसको कहा? कैप्टन को। आई शैल नॉट टेक योर शिप, मैं आपकी शिप नहीं लूँगा। आई वॉज प्लेइंग अ जोक ऑन यू, मैं आपसे मजाक कर रहा था। ही देन टोल्ड द कैप्टन ऑल अबाउट द स्नेक इन द ट्री, और फिर उसने उस कैप्टन को अपने दरख्त और स्नेक की पूरी कहानी सुनाई। ओके, सो नाउ आई थिंक दैट द स्टोरी इज बीइंग रिवाइज्ड। इट विल बी ईजी फॉर ऑल ऑफ यू टू डू द क्वेश्चन आंसर टू दिस चैप्टर नाउ। Answer the following questions. इन questions का जवाब दें। Why did the snake come to Parvez? Snake जौन सा है वो परवेज के पास क्यों आया? Because Parvez was playing the flute. How did the snake help Parvez? Snake ने परवेज की help कैसे की? The snake gave him a gold coin every day. Which fruit did Parvez prefer? He preferred बोथ फ्रूट्स, दोनों फ्रूट्स अच्छे लगे थे ना उसको। वी कैन नॉट डू द लाइक दिस, यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक। इफ़ यू हैव मिस दिस वीडियो और द रीडिंग वीडियो, दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू रिवाइज द रीडिंग एंड एज वेल एज द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो इन दिस वीडियो इट विल बी easy for all of you to read it with proper phonics and pronunciation, and I also make a new video for you all in which it will be helpful, in which you will be doing the question answers. So who's going to tell me that what happened when Parvez planted a twig? Come on. Yes, Aida, we have read about it in the chapter. Come on, quickly tell me that what happened when Parvez planted a twig. Where we have read about it? On this page or on this page? Or maybe this page. Here is the twig. So Parvez planted a twig and soon it grew into a fine tree. When Parvez planted the twig, it grew into a fine tree. So we have found the answer. This is how we do the comprehension. The next question is, what did Parvez do with the fruit? परवेज फ्रूट्स के साथ क्या करता था? कम ऑन, लेट्स फाइंड द आंसर। वन मॉर्निंग द ट्री वॉज फुल ऑफ मैंगोज, परवेज पिक द मैंगोज एंड सोल्ड देम इन द टाउन, एंड व्हेन ही गॉट होम द ट्रीज वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स अगेन, इन द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज फुल ऑफ गावास। सो परवेज सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। क्या करता था परवेज? मार्केट में फ्रूट्स सेल करता था। व्हाई डिड द कैप्टन ग्रोन, कैप्टन ने क्यों ग्रोन किया था? आई थिंक हियर वी कैन फाइंड इट्स आंसर। मैंगोज, wrote the captain, if there are gavas, I shall give you my ship. The captain groaned, gavas, groaned the captain. The captain groaned because there were gavas on the tree.
When he saw the guavas on the tree, the captain groaned because he was surprised to see the guavas on the tree. What about the last question? What kind of a person was Pervez? How do you find that? How was Pervez? Was he a fine man? Yes, Pervez was a very fine and kind person. Okay? So, in the next video, we'll do the question answers in the notebook. Till then, take good care of yourselves and do read the chapter. You're free to ask if you find any difficulty. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.